गुड मॉर्निंग फ्रॉम जनकपुर। और अब हम लोग जा रहे हैं, आज हमारा डे टू या डे थ्री है, जो भी है, हम लोग जाने वाले हैं आज काठमांडू। और रास्ते में भक्तपुर आएगा एक, और कहीं कहीं भी एक दो पॉइंट और रुकेंगे, वो आपको हम दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं। ये देखिए सुबह का माहौल कुछ इस तरह रहता है यहाँ पर जानकी माता मंदिर के पास। बहुत ही अच्छा माहौल है और लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ पर इस मंदिर के अंदर में आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अंदर, तो अच्छे से वॉकिंग कर सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। हम चलिए निकलते हैं काठमांडू के लिए। बहुत दूर है यहाँ से, करीब 200 से ज़्यादा किलोमीटर है। तो गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भैया, ये देखिए वीडियो में आ जाइए। और ये हमारे भैया, ये हमको पूरा घुमाएंगे, 5 दिन पूरे साथ हमारे रहेंगे। नाम बता दीजिए अपना। सूरज लामा। सूरज लामा इनका नाम है, ये काठमांडू के हैं। तो चलिए निकलते हैं काठमांडू के लिए। यहाँ पर रुके हैं, पहला ब्रेक हमारा जो कि चाय ब्रेक है। सुबह सुबह इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:45, और हम लोग जनकपुर से निकले थे सुबह 6:30 बजे, क्योंकि आज हमें 200 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है, तो थोड़ा सा जल्दी उठ के जल्दी तैयार होके निकलना पड़ा। और यहाँ पर पहली चाय इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये भीमान में रुके हैं। और जब जनकपुर से आप अगर काठमांडू जाते हैं, तो जनकपुर से आएंगे तो रास्ते में बर्दीवास आएगा। बर्दीवास से आपको राइट टर्न लेना होगा। ये उनके लिए जो अपना पर्सनल व्हीकल से आते हैं या फिर बाइक से आते हैं, तो आप लोगों को जाना ज़रूरी है। तो फिलहाल पीते हैं चाय, सुबह की पहली चाय, और निकलते हैं फिर आगे। ये रही सुबह की पहली चाय, टेस्ट करके बताते हैं आपको। अच्छी चाय है ये। अभी रुके हैं यहाँ पर डीजल भराने के लिए। यहाँ पर देखिए 144 रुपये 25 पैसे ये नेपाली रेट है डीजल का, ये नेपाली करेंसी में है। 6,280 नेपाली रुपीज़। और नेपाल में जैसे अपना इंडियन रुपीज़ 100 है, वो नेपाल में 160 रुपये है। तो विमान में चाय पीने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आकर हम सिंधुली में, इसको चियाबारी सिंधुली, यहाँ पर हम लोग खाने जा रहे हैं अब मैगी, जो कि यहाँ पर है मैगी ही, लेकिन उसका ब्रांड अलग है और उसको बोलते हैं चाउचाओ। तो हम लोग वेज चाउचाओ खाने जा रहे हैं। टाइम हो रहा है इस समय 1, और हम पहुंच गए हैं विदुर बस्ती, एक गांव है छोटा सा, और यहां पर हम खाना खाएंगे अभी। तो सुबह के हम 6:30 बजे निकले थे, अभी हो रहा है टाइम 1 बज रहा है। और ये धुलीखेल तहसील के अंदर में आता है गांव विदुर बस्ती, आगे में धुलीखेल है। रास्ते में हमारा बर्दीवास पड़ा, भीमान पड़ा, उसके बाद फिर सिंधुली पड़ा, सिंधुली गढ़ी पड़ा, और खुरकोट पड़ा। एक ठो बड़ी सी नदी थी, उसका नाम था सुनकोटी, और उसके बाद फिर पड़ा मुलकोट लास्ट में। उसके बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ विदुर बस्ती में। यहाँ से खाना वगैरह खा के निकलेंगे आगे की ओर। देखिए जर्नी थोड़ा सा पहाड़ों में क्या है, देखिए सुबह से निकले थोड़ा सा थकान होता है, लेकिन
अच्छा है, क्योंकि जर्नी अगर आप इंजॉय कर रहे हैं ना, डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं इधर के, मैं इतने पहाड़ घुमा हूँ, हर जगह की ना, हर पहाड़ों की बात, हर जगह की बात एकदम अलग ही होती है। ऐसा नहीं कि पहाड़ी रास्ते बहुत सारे आपको हिमाचल में मिल जाएंगे, आप भूटान जाएंगे वहाँ मिलेंगे, आपको सिक्किम में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, लेकिन हर जगह हर पहाड़ का जो फील है, एक्सपीरियंस, वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ का भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो फिलहाल चलते हैं खाना खाने। और ये देखिए रास्ते में इस तरह का आपको बहुत सारा दिख जाएगा यहाँ नेपाल में, जहाँ बाइक वगैरह रिपेयर होती है। तो ये बताने के लिए कि यहाँ पर बाइक रिपेयर होती है, इस तरह से एक पोल में इस तरह से एक खटारा बाइक या पुरानी बाइक को लटका देते हैं। तो अभी खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, और ये जगह का नाम है सांगा। यहाँ से काठमांडू करीब 35-40 किलोमीटर ही और बचा है, और ये है सांगा। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जाके देखते हैं क्या है, पहली बार आए हैं, आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, ये शिव जी का बहुत ही विशाल मूर्ति है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का, मैं चारों तरफ का आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो भी नज़ारा है। और शिव जी की मूर्ति ये देखिए बहुत ही बड़ी, ये 145 फीट की ये शिव जी की मूर्ति है, 145 फीट की मूर्ति शिव जी की। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, सांगा में है। नेपाल कभी आते हैं आप यहाँ आइए, काठमांडू जाने समय आपको पड़ेगा रास्ते में, काठमांडू से करीब 40 किलोमीटर पहले 143 फीट ये शिव जी की मूर्ति है। और उन सीढ़ियों से नीचे आने के बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर छोटी सी एक मार्केट भी है, एक छोटी सी मार्केट नीचे लगी हुई है, 8-10 दुकानें हैं यहाँ पर, पानी पूरी चटपटे। तो और ये कुछ इस तरह से नज़ारा है यहाँ पर, देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही सुंदर सब कुछ, नीचे कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये था सांगा में शिव जी का बहुत ही अच्छा मंदिर, और शिव जी की काफ़ी अच्छी मूर्ति है 143 फीट की। और यहाँ पर आपका जो टिकट लगेगा और उसकी एंट्री फीस है ये 100 रुपये, उल्टा लिख क्या होगा देख लीजिए ध्यान से एक बार। तो ये 100 रुपये ये नेपाली करेंसी में है, और इंडियन में 65 रुपीज़, इंडियन करेंसी अगर आप देते हैं तो 65 रुपीज़। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको पूरे नेपाल में आपका इंडियन करेंसी चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपका, अगर आपके पास नेपाली करेंसी नहीं है तो। तो चलिए चलते हैं आगे, इसके बाद भक्तपुर आएगा, वहाँ चलेंगे, वहाँ देखते हैं क्या। हम लोग पहुँच गए हैं भक्तपुर, और यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और जो कि 1 किलोमीटर के एरिए में पूरा मंदिर फैला हुआ है, बस वही एक्सप्लोर करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर सांगा के बाद हमको पड़ा ये सूर्य विनायक से हमने राइट, एक चौक आया मेन चौक वहाँ का, वहाँ से हमने राइट टर्न ले करके ये भक्तपुर पहुँचे हैं, और अब जा रहे हैं उधर टेंपल की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। मेन एंट्रेंस, और यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट भी काटना होगा, शायद 300 रुपये पर हेड है। तो एंट्री हो चुकी है हमारी, और टिकट लगा यहाँ पर 500 रुपये नेपाली एक जन का, और इंडियन के हिसाब से 312 रुपये एक लोगों का। ये रहे टिकट्स, ये टिकट है। तो आप आइए यहाँ पर घूमिए, यहाँ पर प्राचीन मंदिर है बहुत सारे, जैसे कि रामेश्वरम मंदिर है, बद्रीनाथ है, और जगन्नाथपुरी भी है, जो चार धाम अपने इंडिया में है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, और भी काफ़ी मंदिर है, तो आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकते हैं।
देश का तारा राष्ट्रवादी कामदार जनता नहीं हो इसका ये था भक्तपुर के प्राचीन टेंपल और यहाँ पर इंडियन टेंपल काफ़ी थे जैसे कि केदारनाथ और कुछ मॉनेस्ट्री भी थी, जगन्नाथपुरी भी था यहाँ बीच में। और जैसे क्या इनका कहना ये था कि जैसे ये लोग यहाँ इंडिया में नहीं जा पाते थे दर्शन करने के लिए, तो इसलिए वो लोग एक एक तो यहाँ पर मंदिर बना दिए हैं अपना दर्शन करने के लिए। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग फ्रॉम काठमांडू। और हम लोग भक्तपुर से निकल गए थे वही प्राचीन जो भी मंदिर वहाँ पर थे वो सबको एक्सप्लोर करने के बाद, और करीब आधे घंटे हम लोग को लगे वहाँ काठमांडू पहुँचने में। और होटल बहुत अच्छा है, तारा स्वीट्स में हम लोग रुके हुए हैं और तारा स्वीट्स होटल के हम लोग के होटल के बहुत ही पास में वॉकिंग डिस्टेंस में ही पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। और जो कि अभी इस समय टाइम हो रहा है शाम के 7:45 बज रहे हैं, 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है और यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं, तो मोबाइल को थोड़ा सा बचा करके मुझे वीडियो शूट करना पड़ेगा। तो 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मैं ये आपको मेन गेट दिखा देता हूँ मंदिर का अभी। ये है यहाँ पर मंदिर का मेन गेट और 2 मिनट क्या रास्ता है होटल से। हम लोग चाय पीने निकले थे शाम को तो सोचे कि आ जाते हैं एक बार देखने के लिए क्या क्या है क्या नहीं। यहाँ पर रुद्राक्ष की दुकानें बहुत सारी हैं। खैर ये सब चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर कराएंगे। काठमांडू में जो भी आसपास की चीज़ें हैं 5-6 पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें से ये प्रमुख मंदिर है पशुपतिनाथ जी का मंदिर और साथ में किंग पैलेस है। और भी दो तीन जगह और हैं वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में ही, क्योंकि मैं नाम भूल गया हूँ अभी। तो फिलहाल बंदर सब मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ कि ये मेरा फ़ोन ना ले जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग बताएं कमेंट सेक्शन में। हमें काफ़ी अच्छा लगेगा आपका फीडबैक जान करके और काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लोर कराया जाएगा आगे की जर्नी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।